जेल के अय्याम में जब मुझे कलम मिला तो जो मैंने सदाए कफस दीवान का, मैंने कैसे कैद काटी सब बता सकता नहीं, मैंने कैसे कैद काटी सब बता सकता नहीं, जो बताना लाजमी है वो छुपा सकता नहीं। मैंने कैसे कैद काटी सब बता सकता नहीं, जो बताना लाजमी है वो छुपा सकता नहीं, झुलस जाने को बदन था पिघल जाने को दिमाग। यानी पहले दो हफ्तों में सारा मेरा यानी जिल्द जो है वो फट गई थी, इतने दाने और उनमें पीप पड़ गई। झुलस जाने को बदन था पिघल जाने को दिमाग, ऐ मगर असलाफ का झंडा गिरा सकता नहीं। वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरजी, वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरजी, यानी जिस तरह चिड़ियां कहीं बैठी हों तो उनको उड़ा दिया जाए। वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरजी, तायरे फिक्रे रिजा हूं कोई उड़ा सकता नहीं। वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरजी, तायरे फिक्रे रिजा हूं कोई उड़ा सकता नहीं, आंधियों से कह रहा हूं होश से आया करो, आंधियों से कह रहा हूं होश से आया करो, कोई बगोला दीन की शमा बुझा सकता नहीं। आंधियों से कह रहा हूं होश से आया करो, कोई बगोला दीन की शमा बुझा सकता नहीं। जेल में ही था तो मुझे सुलह के पैगाम दिए गए कि वो कहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए तो सीज फायर हो जाए। मैंने कहा मैं तो जेल में मैं तो फायर कर ही नहीं रहा। तो मैंने कहा उनको हसरत है कि देखूं उनकी जानिब एक बार, उनको हसरत है कि देखूं उनकी जानिब एक बार, मैं खुशामद के चलन में मुस्करा सकता नहीं। उनको हसरत है कि देखूं उनकी जानिब एक बार, मैं खुशामद के चलन में मुस्करा सकता नहीं। ये जो वो कह ये जुल्म हुआ, लेकिन आगे बाहर निकल के आप जरा, और आप अभी बाहर आ जाए 2.5 महीने के बाद, तो मैंने कहा ये इसका खुलासा ये बनता है कि तुम मारते भी हो और रोने भी नहीं देते, यानी ये तुम दूसरा जुल्म करना चाहते हो, पहला मान के और उस पर अफसोस करके जुल्म हुआ और अब दूसरे की तुम मुझसे दस्तखत करवाना चाहते हो। तो मैंने कहा किस लिए मजलूम के रोने पे जालिम है खफा, किस लिए मजलूम के रोने पे जालिम है खफा, अश्क बारी पे तो मैं ताला लगा सकता नहीं। और मैंने कहा मैंने नस्ले नौ में बांटे हैं बसीरत के चराग, मैंने नस्ले नौ में बांटे हैं बसीरत के चराग, जुल्म खुद मिट जाएगा मुझको मिटा सकता नहीं। मैंने नस्ले नौ में बांटे हैं बसीरत के चराग, जुल्म खुद मिट जाएगा मुझको मिटा सकता नहीं। मैं हुसैनी हूँ पुराना मैं गुलामे मुस्तफा, मैं हुसैनी हूँ पुराना मैं गुलामे मुस्तफा, कोई यजीदी आज भी मुझको झुका सकता नहीं। कहा कि मैं इधर बंद हूँ और उनको रोजाना तुमने इजाजत दी हुई है कॉन्फ्रेंसें करने की मेरे खिलाफ टॉक शो ये, और मुझे निकलने के बाद कहते तुमने बोलना नहीं। उनको छुट्टी है कि मुझ पे तीर अंदाजी करें, उनको छुट्टी है कि मुझ पे तीर अंदाजी करें, इसलिए मैं आशिया में गम सुना सकता नहीं।